हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। और आज हमारी इस वीडियो में मैंने सोचा क्यों ना कुछ ट्राई करा जाए ऐसा रेसिपी टाइप। तो मैंने एक रेसिपी देखी थी कॉफ़ी की, और वही फिट ट्यूबर वाली कि नो कॉफ़ी कॉफ़ी डे ऐसा कुछ था उसमें। नो कॉफ़ी बट कॉफ़ी, नो कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी कुछ ऐसा ही था। मतलब वो कॉफ़ी से बना हुआ नहीं है, कॉफ़ी बीन से बना हुआ नहीं है, बट उसका फ्लेवर देने के लिए हमारे जो छोले रहते हैं उनका प्रयोग कराया गया है उसमें। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना उसे बनाया जाए और ट्राई करा जाए कि वाकई में हम उसे घर पर बना सकते हैं या नहीं, ये वाकई में वो वैसा ही टेस्ट हमें देता है या नहीं। तो चलो मैं बनाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये पहले इतनी बना के देखते हैं। वैसे मैं कॉफ़ी वगैरह अवॉइड कर चुका हूँ, मतलब बहुत दिनों से कॉफ़ी वगैरह नहीं पीता हूँ। आज मन भी हो रहा है मेरा, मैंने सोचा कि क्यों ना बना ही ली जाए, और इसमें कॉफ़ी नहीं रहेगी तो मुझे उस कैफीन की चिंता नहीं है। हाँ, क्योंकि ज़्यादा कैफीन भी नुकसान करता है ना, इसलिए। अरे बहुत देर हो गई है लेकिन ये अच्छे से सिका ही नहीं रहे। वीडियो में तो फट से ऐसा वो फ्राई हो जाता है, तो मतलब कुरकुरे और हल्का सा ब्राउनिश, पर वो वीडियोस रहती हैं। शायद मैं भी इसे डायरेक्ट ही करूँ, क्या कर सकते हैं, कोई ना, आराम आराम से। रील्स भैया, ये रील्स से ऐसा आपका पेशेंस ख़त्म होते जा रहा है, मेरा भी ख़त्म होते जा रहा है। थोड़ी थोड़ी सी कॉफ़ी जैसी स्मेल आ रही है मुझे इसमें से, ये जैसे जैसे सीखता जा रहा है। तो 10 मिनट हो गए और अभी तक मैं उन्हें रोस्ट कर रहा हूँ, अभी तक काले ही नहीं हो रहे हैं, मतलब हल्के से ब्राउनिश ये थोड़े बहुत अब होने लगे हैं। इतनी देर में कहीं भूख ना मर जाए, क्योंकि है ना भूख भी लग रही है। क्योंकि एक बार जब आप बोल देते हो कि कोल्ड कॉफ़ी पीना है तो उसकी क्रेविंग जो होती है भैया पूछो ही मत। और ऊपर से मैंने तो कॉफ़ी भी छोड़ रखी है कुछ दिनों से, तो और बढ़ते जा रही है क्रेविंग। ये जल ना जाए बातों बातों में। ये सीखा नहीं रहे लेकिन मैं पूरा सीखा गया हूँ गर्मी में। ये देखो पसीना आ ही रहा है। तो जैसा होना चाहिए वीडियो में जितना दिख रहा था उतना हुआ है। तो हम ये हमारे सालों पुराने मिक्सर में जिसमें हम मसाला पीसते हैं वो निकाला है, और इसके ढक्कन में ना ये छेद हो चुका है, तो उसकी जगह हम इस कटोरी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऐसा हमें मम्मी ने सिखाया है, समझ रहे हैं ना आप। तो अब ये डालते हैं इधर। धुआं निकल रहा है अंदर से। तो इसको तो मैं ठंडा होने के लिए रख देता हूँ, और मेरे पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो अब मैं जाता हूँ दूध लेकर आता हूँ और फिर बनाएंगे हम कोल्ड कॉफ़ी। चलो तो फिर। तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक रही है। तो
एक गिलास में क्या होगा आज? मिश्री डाली जाएगी इसमें, मिश्री। इस कोल्ड कॉफी को बनाते बनाते मैं हॉट हो चुका हूँ पूरा, तो इसे आराम से ठंडी हवा में पिया जाएगा। हाँ हाँ मजा आ गया। सही बताऊँ तो सेम वैसी कॉफ़ी तो नहीं लग रही है, पर इवन टेस्टी है उससे भी। उसका जो एक फ्लेवर रहता है वो नहीं है, मतलब वो मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। पर हाँ ये है क्या उसका अल्टरनेटिव है, सेम उसके जैसी एनर्जी ये दे सकती है। ये जो सब बोल रहे हैं ना रील्स में या तक कि फिट्यूबर के सेम टेस्ट है, तो टेस्ट में भी अंतर है थोड़ा और स्मेल में। हाँ जब आप इसको रोस्ट करते हो जब स्मेल हल्की हल्की वैसी आती है, लेकिन हाँ बनने के बाद कुछ अलग ही है। पर हाँ ख़राब नहीं है, मैं ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, टेस्टी है। तो एक हेल्दी अल्टरनेटिव के रूप में इसको हम मान सकते हैं। इतना टेस्टी है कि मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, मतलब मुझे। आप भी ट्राई कर सकते हैं बना के, थोड़ा सा टेस्ट का अंतर आएगा क्योंकि मैं भी हो सकता है कोई इसे ज़्यादा रोस्ट करता है हमने कम करा हो, या ये ज़्यादा ठंडी रहती हो तो सेम टेस्ट आता हो। ये नीचे से जम भी जाता है जो दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा बारीक अगर करेंगे तो सेम टेस्ट आ जाएगा। हाँ गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो फिट ट्यूबर का हमारा कोल्ड कॉफ़ी वाला, नो कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि एक हेल्दी अल्टरनेटिव। अगर आप कैफीन के एडिक्टिव नहीं होना चाहते हो तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। थोड़ा सा टेस्ट का अंतर रहेगा, थोड़ा बहुत 19-20 तो हमेशा रहेगा ही सही, आप सेम टू सेम कभी नहीं कर सकते। शायद इसीलिए फिट ट्यूबर की ये वाली वीडियो डिलीट कर दी है उन्होंने या करवा दी गई है, पता नहीं, जो भी है अच्छा है। इसी के साथ दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। हेलो जल्दी जल्दी में एक ये जार तो धोना रह ही गया।